हेलो माय लवली व्यूअर, वेलकम बैक जेता ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट रिव्यू, और ये प्रोडक्ट जो है वाव का एप्पल साइडर विनेगर है। इसे हम गुड लुक्स ड्रिंक के नाम से भी जानते हैं। इसे हमें कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसे किसे लेना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे बिग लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक होके आता है। वाव लाइफ साइंस ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, नाउ इवन बेटर देन बिफोर विथ मदर ऑफ विनेगर। और ये 400 ml का है। इसकी प्राइस है 399 rupees और ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, बिल्कुल ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दे रखा कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, और यहाँ पे साइड में पूरे पिक्चर सहित इन्होंने बता रखा कि कैसे आपको यूज करना है। अब बात करते हैं इसके इनर पैकेजिंग की। तो इनर पैकेजिंग में आप देखेंगे इसको ओपन करके तो ये प्लास्टिक के इस प्रकार के बॉटल में पैक होके आता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, दिख सकता है कि आपने कितना यूज किया कितना नहीं। मैंने इतना ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया इसको। ये होता क्या है, एप्पल्स के पल्प में ईस्ट या बैक्टीरिया मिला के इसे फर्मेंट किया जाता है, तब जाके ये अल्कोहल बनता है, देन ये विनेगर बनता है। तो इस प्रकार से सेब का सिरका ये रेडी हो जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एसिड भी पाया जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स नजर आएंगे, आप देख रहे होंगे, जो कि इसके फाइबर्स में साफ नजर आते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है, आप किसी भी ब्रांड का जब साइड विनेगर लें तो आप इसमें इसके पार्टिकल्स को जरूर देखें। वहां पे लिखा होगा आपको विथ मदर्स ऑफ विनेगर, तब जाके आप लो तो वो ओरिजिनल्स होते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जब भी आप इसे यूज करें तो आप इसे अच्छे से सेक सेक जरूर कर लें ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, देन उसके बाद से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होता है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन 1, B2 भी होता है और विटामिन 6 भी होता है इसके अंदर, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मैग्नीशियम होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेजमेंट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ब्लड शुगर को भी मैनेज करता है। फील एनर्जी, आप इसके ड्रिंक से एनर्जी फील करेंगे। एंड नरिस करता है आपके हेयर और स्कैल्प को भी, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये वेट को लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी डाइट पे और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना होगा। अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो काफी हद तक इसे कंट्रोल भी ये करता है। आपको खांसी या फेफड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मुंह के छाले और गले के खराश जैसे चीजों को भी ये ठीक कर देता है। इसके यूज से उल्टी और दस्त जैसी प्रॉब्लम से भी काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। अब हम जानते हैं कि इसे हमें यूज कैसे करना है। तो आप इसे एवरी मॉर्निंग जो है ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले आप इसे ले सकते हैं, आप इसे नाइट में भी ले सकते हैं, सोने से थोड़ी देर पहले आप इसको ले सकते हैं। सलाद के ऊपर 1 से 2 स्पून तक आप इसको मिक्स करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो एवरी मॉर्निंग आपको इसे ड्रिंक करना है, 1 गिलास पानी में 1 से 2 स्पून तक इसे मिक्स कर लें, उसके बाद से आप इसे ड्रिंक करें। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इंटरली आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा अपनी बॉडी में, कि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है, आपको एनर्जी भी फील होगा इससे, और आपको गैस की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी कम हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप चाउमीन वगैरह चाइनीज फूड खाते हैं तो उसके अंदर सिरका जरूर डाला जाता है ताकि आपके खाने को अच्छे से वो डाइजेस्ट कर सके। इसके अलावा आप जो है अपने स्किन पे और हेयर पे और टीथ के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अपने टीथ को व्हाइट करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही बैड स्मेलिंग आती है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स और एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो गया है तो वहां पे इसे आप अप्लाई करके एज अ पैक आप अप्लाई कर सकते हैं। पानी के अंदर आप मिक्स कर ले, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। स्पून अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो 1 स्पून तक आपको पानी को मिक्स करना होगा और पिंपल पे अप्लाई करना होगा, उसके बाद से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके हेयर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे, 30 मिनट्स बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लेंगे, काफी ज्यादा आपके डैंड्रफ रिमूव हो जाते हैं इससे। अगर आपके पैर में बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है तो आप 1 टीस्पून तक 1 मग पानी में इसे मिक्स कर लें और अपने पैरों को वॉश कर लें, इससे आपके पैर की बैड स्मेलिंग भी चली जाएगी।
है। जो टोनर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। टोनर बनाने के लिए आपको जो है 2 स्पून तक आपको विनेगर्स लेना है और कम से कम आपको 1/2 कप पानी लेना है, उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसे अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना देता है। आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आप अपने स्किन के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो आप बराबर मात्रा में पानी को मिक्स कर ले, उसके बाद ही आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करें। ये बहुत अच्छा हेयर कंडीशनर का भी काम करता है। हेयर को वॉश करने के बाद जो है 2 स्पून तक 1 मग पानी में आपको मिक्स कर लेना है, उसके बाद अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना। बहुत अच्छे से बालों में आपके शाइनिंग आ जाएगी, आपके हेयर इससे हेल्दी और शाइनिंग हो जाते हैं। जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। किसी भी चीज को अत्यधिक मात्रा में लेने से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आप इसका 1 से 2 स्पून से ज्यादा आप इसका सेवन ना करें। अगर आपके स्किन पे किसी प्रकार की एलर्जी है तो अपने स्किन पे भी इसे अप्लाई ना करें। इसे जो है छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और 60 साल से अगर आपकी एज ज्यादा है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई दवा चल रहा है तो भी आप इसका सेवन ना करें, और इसको कंज्यूम करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद से आप इसका यूज करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।